हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेटस काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो एमपी के स्टूडेंट हैं उन्हें कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें काउंसलिंग कौन सी अटेंड करनी है। और जो आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, यहाँ के बहुत सारे कैंडिडेट एमपी में एडमिशन लेते हैं बीएएमएस में, तो उन्हें भी कन्फ्यूज़न है कि उन्हें कौन सी काउंसलिंग जो है अटेंड करनी, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्या अभी जो 1 सितंबर से डबल ट्रिपल से की ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है उस वही काउंसलिंग अटेंड करनी है, क्या उस काउंसलिंग से उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। तो तमाम जो भी डाउट्स है उनका इस वीडियो में हम जो भी डाउट्स उन्हें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, तभी जाके आपका डाउट क्लियर होगा। एक डाउट ये भी है कि क्या उनके 100 मार्क्स है, क्या उनके 140 नंबर है, तो क्या उन्हें एमपी के बीएमएस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर भी आपको क्लियर प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों कि हाँ, इतने मार्क्स तक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग ओवरऑल नए मतलब वीडियो देख रहे हैं सभी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकेगी। और आपका जो भी डाउट है आप वो कमेंट कर सकते हो, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाल दूंगा, आपको जो भी डाउट है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपका डाउट खुद क्लियर करूंगा अगर आपका वीडियो से डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप जस्ट क्वालिफाई हो, जैसे लास्ट ईयर 94 या 93 मार्क्स क्वालिफाइड था, जैसे ये 100 मार्क्स हैं। ठीक है, ये कोई वेदिका साहू है, ठीक, वेदिका साहू ओबीसी एक्स फीमेल, इन्हें शिवांग होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज मिला था, उसके बाद में भी आरकेडीएफ लिया इन्होंने, चलो ठीक है, इन्होंने 100 में बीएचएम से कॉलेज लिया है वैसे, इसके बाद में और किसी ये तोहिद अहमद ओबीसी, इनको नॉट अलॉटेड है वैसे। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों उसके बाद में, देखो ये 102 नंबर है, एससी मेल है। ठीक है, एससी तो ठीक है, इनको मिल जाता, आप लोगों को भी पता ही होगा कि एससी में कम पे मिल जाता है, लेकिन आपको प्रूफ के साथ मुझे दिखाना है तो मैं थोड़ा, ये आयान चौहान ये भी एससी से है, मोहम्मद खलील ओबीसी एक्स मेल, तो इन्हें बीयूएमएस का कॉलेज इन्होंने लिया है खैर। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं, ये अंकित काहर, ठीक है, अंकित काहर 96 मार्क्स है सिर्फ, कितने 96 मार्क्स अंकित काहर ओबीसी एक्स मेल, सरदार अजीत सिंह पहले अलॉट हुआ था, उसके बाद में वीणा वादनी अलॉट हुआ, देन उसके बाद में राजीव गांधी अलॉट हुआ, कितने मार्क्स पे 94 मार्क्स पे। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, सिर्फ 94 नंबर पर राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, लगभग 2001-02 का है। ठीक है, तो बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेदिक, तो ये जब एलोट हो सकता है तो इस बार क्यों नहीं होगा। अगर आप इस बार जस्ट क्वालिफाई भी होगा जनरल कैटेगरी में, आपके 137 मार्क्स हैं अब वो है, और ओबीसी जनरल एसटी एससी में अगर आपके 107 मार्क्स एंड अब वो है, तो आपको कोई सा भी एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज या एक होम्योपैथी कॉलेज मिल जाएगा एमपी में। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों, आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सुनिए, डबल ए ट्रिपल सी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाते हैं, उससे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। ठीक है, उसके अलावा उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो आप लोगों के जिनके मार्क्स 500 के आसपास है, वही ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू आप लोगों को कॉलेज एलोट हो सकता है, अदरवाइज आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो एमपी में आपको एडमिशन लेना है, और एमपी में अगर आप एमपी कही हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपके 400 एंड अबव मार्क्स हैं, तो आपको डबल मतलब एमपी की जो इंडेक्स वेबसाइट है वहाँ पर स्टेट काउंसलिंग होगी, उसके थ्रू मिलेगा। और अगर आप अदर स्टेट से हो और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप दो काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हो, एक ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा एमपी की अलग से काउंसलिंग होती है। ठीक है, उसमें आप ले सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई ही जाता है। ठीक है, जो ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा की एमपी स्टेट की काउंसलिंग होती है उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, बट हाँ, आप जो एमपी स्टेट की आयुष काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करके एमपी के अच्छे कॉलेज में बहुत कम से कम नंबर पर एडमिशन ले सकते हो, आउट ऑफ स्टेट वाले भी और एमपी वाले भी, जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ऑफिशियल अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया दोस्तों, लेकिन बहुत जल्द
लगभग लगभग 15 सितंबर के आसपास काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस है, क्योंकि डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है उसके 10 से 15 दिन के आसपास स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम, ठीक है। और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है ताकि आपको बेस्ट वेस्ट कॉलेज मिले, ओवरऑल काउंसलिंग के हर एक स्टेज पर आपका पूरा साथ दूंगा दोस्तों। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका जो भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जिसके नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को क्लियर मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको कौन सी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको डबल ए ट्रिपल सी ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना है जिनके कम नंबर है, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज कम नंबर वालों को सिर्फ एमपी स्टेट हाउस काउंसलिंग जो कि उसमें ही मिलेगा। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हो तो आपको एमपी स्टेट हाउस काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होने के चांसेस मतलब रहेगा ही रहेगा, सेकेंड राउंड में अलॉट होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में सिर्फ एमपी वालों को ही अलॉट होता है। लेकिन हाँ, जो ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा की काउंसलिंग होती है उसमें आपको मिल जाएगा, अगर आपके 300 एंड अबव मार्क्स है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि इससे 8-10 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उससे भी एडमिशन ले सकते हो, और आप थोड़ा सा अगर कम नंबर है तो आप स्टेट काउंसलिंग जो होगी उससे लीजिए, आप कम से कम नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।